प्रेशर है वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का, जिनको आपने कर्जे वापस करने हैं, उनके कहने पे जो है हुकूमत ने हाथ बांध दिए हैं और उनके कहने के ऊपर जो है ये सब कुछ जो है किया जा रहा है। देखिए, वर्ल्ड बैंक का जो प्रेशर होगा वो ये नहीं होगा कि आप पैसा वाइट कर दें। वो लोग तो आपको प्रेशर डालेंगे कि आप इस पैसे को डिसओन करके ना इन बंदों को यहां से निकालें ताकि वो पैसा हमारा हो जाए। ठीक ठीक, ऐसा वर्ल्ड बैंक प्रेशर डाल के आपके मुल्क को कोई मुईशत को फायदा नहीं पहुंचाने लगा। वर्ल्ड बैंक इतना आपका हमायती नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अप्रैल में जो है वो एफएटीएफ की इंटरनेशनल जो है वो भी टीम आ रही है, तो ये उसके अंदर भी तो हमें फायदा पहुंचाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा नाम जो है वो उन्होंने फाइनलाइज करना है कि अब केड़ी लिस्ट में डालना है। तो ये इस किस्म के इकदाम से हम क्या एफएटीएफ को क्या मैसेज जाएगा? हमें एफएटीएफ को, फैटएफ को हमें ये एक डिबेट करनी पड़ेगी उनसे कि देखें हमने सिस्टम को ठीक करने के लिए ये किया है, ये इस दफा के लिए है, इसके बाद हमेशा के लिए वाइट हो जाएगा सारा सिस्टम। वो क्वेश्चन मार्क तो इस पे खड़ा कर सकते हैं ना जी, आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो सबको ही जो है खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उनके क्वेश्चन के चक्कर में इस सारे को रिजेक्ट कर दिया तो फिर याद रखिएगा पाकिस्तान दिवालिया होने में महीने चार ही लगने। और ये खास तौर पर मैं एस्टेब्लिशमेंट को मैसेज देना चाहता हूं कि मेरे इस मैसेज के बाद प्लीज अगर आप सुने तो स्टडी करवा लें। अगर आप लोगों ने ये स्कीम को रिजेक्ट करवाया तो पाकिस्तान दिवालिया होने के धाने पे खड़ा है। इसको कामयाब करवाएं और जोर लगा के कामयाब करवाएं। ये सोच के ना कराएं कि इसका क्रेडिट नून लीग को मिल गया तो हमें कोई डिसक्रेडिट हो जाएंगे हम। जो इक्तदार में आता है वो मुल्क के लिए काम करता है, आपके पे एहसान नहीं करता। तो ये खाकान अब्बासी को क्रेडिट अगर जाएगा तो खाकान अब्बासी बेचारे की इतनी औकात नहीं है दोबारा वजीर आजम बने। जब तक मियां साहब, मैं खाकान अब्बासी के पर्सनल मीटिंग में वर्ड्स बताता हूँ क्या है। उसके पर्सनल मीटिंग के वर्ड्स हैं कि ये भाई मेरा आखिरी टेन्योर है, इसके बाद तो मैंने सियासत नहीं करनी। वो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेसलर अमेंडमेंट्स लगी थी जब बिल क्लिंटन ने हुकूमत संभाली। हमसे इन्होंने अफगान जहाद लड़वाया, हमसे अफगान जहाद लड़वा के इन्होंने हमारे मुल्क के अंदर क्लैशनोकोफ कल्चर प्रोड्यूस प्रमोट कर दिया और उसके बाद हमारी सिविल गवर्नमेंट्स आ गई और ऊपर से हम पे प्रेसलर अमेंडमेंट्स लगा दी गई। प्रेसलर अमेंडमेंट्स के तहत प्लानिंग ये थी, वो हमारे ऊपर फोर्थ जनरेशन ऑफ वॉरफेयर थी कि मौशी तौर पर इनको जीरो कर दें और इनसे इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बंद करवा दें। हम मौशी तौर पर जीरो इसलिए ना हुए कि हमारी अगर व्हाइट इकोनॉमी थी 20% तो हमारी ग्रे इकोनॉमी थी 80%। एंड माइंडेड, ग्रे इकोनॉमी जो है अमेरिका में भी है, ग्रे इकोनॉमी चाइना में भी है, इंडिया में भी है, दुनिया के हर मुल्क में ग्रे इकोनॉमी होती है। ठीक, हमारी ग्रे इकोनॉमी का साइज जो था ना वो 80% था और व्हाइट इकोनॉमी का साइज 20%। तो प्रेसलर अमेंडमेंट्स ने जितना भी हम पे जुल्म ढाना था ढाया, लेकिन वो हमारी मोशियत नहीं तबाह कर सके, हमारी ग्रे इकोनॉमी की वजह, हमारी ग्रे इकोनॉमी बचा गई। इस स्कीमों के तहत हमारी ग्रे इकोनॉमी रह जानी है 20%। ग्रे इकोनॉमी वहां रह जाएगी जहां मजबूरी है ट्रांजेक्शंस की और हिसाब करना नहीं आता बंदे को। एक बंदा अनपढ़ है वो हिसाब नहीं कर सकता, रेडी बान है वो हिसाब नहीं कर सकता। ग्रे इकोनॉमी बहुत छोटी रह जाएगी। उस छोटी ग्रे इकोनॉमी को कैलकुलेट करके के किस तरह मारना है, और डरना आपको अमेरिका से पड़ेगा। अमेरिका ऐसा मुल्क है जिससे आप दुश्मनी नहीं डाल सकते और जिससे आप दोस्ती की कोई तवक्को नहीं कर सकते। अमेरिका को अगर आपको मारना होगा मौशी तौर पर तो आपकी इकोनॉमी का साइज कैलकुलेट करके आप पे अटैक किया जाएगा और आप फारिग हो जाएंगे। अमेरिका तब आपका इकोनॉमी का साइज कैलकुलेट नहीं कर सकता था, ना साइज कैलकुलेट कर सका ना मार सका, आप साफ बच के आ गए। और फिर अमेरिका को आपकी जरूरत पड़ गई और अमेरिका ने आपके ऊपर से सख्त पाबंदियां हटा दी। तो इस तरह का ही अब अमेरिका अगर प्लान करेगा तो अब उसके सामने सारी चीजें क्लियर, सब चीजें ओपन होगी। ये वो पॉइंट है जो आर्मी के कैलकुलेट करने का है कि उन्होंने अमेरिका को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि अमेरिका के सारे अटैक्स मोईशत के बाद तो आर्मी पे ही होने हैं ना। बिल्कुल ठीक, तो उसके तहत अमरीकी पाकिस्तानी आवाम को जो नुकसान पहुंचेगा उसका बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। लेकिन आपके मुल्क में इस वक्त बहुत बड़ी तहरीक चल रही है कि हमने वाइट मनी करनी है, इकोनॉमी वाइट करनी है, डॉक्यूमेंट करनी है। तो डॉक्यूमेंट करने का, वाइट करने का इससे बड़ा अच्छा मंसूबा नहीं हो सकता। हमें कर लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए, लेकिन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि खुदा के लिए अपने अंदर इत्तफाक पैदा कर लें। जो भी हुकूमत में हो, जो भी हुकूमत में हो उसको हुकूमत करने दें। उसके लिए अगर फौज समझे तो खुद हुकूमत में बेशक आ जाए। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवा के आर्मी चीफ जो है उसको गवर्नमेंट का ऐसा हिस्सा बना ले जहां डिसीजन मेकिंग में वो शामिल हो जाए। लेकिन जिस जंग में हम जा रहे हैं, अगर हम करंट सियासी माहौल में ही रहे
तो ये वाइट करने की स्कीमें जो हैं ये पाकिस्तान की तबाही का बायस बन सकेंगी, और आपको ये कैलकुलेट करना होगा। और इसमें सारा पहलू जो है ना डिफेंस का है, यानी कि पहले अपना होमवर्क कर लें, पहले अपना नहीं, ये स्कीम साथ चलाएं, हाउस इन ऑर्डर कर लें, ये स्कीम चलाएं, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही जो मुल्क में इस वक्त एनआरकी का आलम है इसको खत्म कराएं। बिल्कुल ठीक है सर, अगर ये एनआरकी का आलम खत्म ना हुआ तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी 2 मिनट में मार ली जाएगी। बिल्कुल ठीक जी, ये अनार्की का आलम है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे जो किया जा रहा है। ये बात को बड़े गौर से समझने की जरूरत है। ये ऐसा नहीं है कि इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ को जंग जारी है। अगर ये इमरान खान नवाज शरीफ और जरदारी की जंग हो खतरे की कोई बात नहीं है, जो भी जीतेगा पाकिस्तानी होगा और हम उसके साथ मिलकर अगली गवर्नमेंट में काम कर रहे होंगे, हमें उससे क्या फर्क पड़ना है। लेकिन ये आप नोट कीजिए, अगर नवाज शरीफ को खालिस्तन करप्शन पे निकाल दिया जाता तो क्या नवाज शरीफ का इतना सॉलिड बयानिया बन सकता था? सोचने की बात है, आप सोचें जरा। उन्हें कोई सबूत ना मिलने की वजह से या जो भी वजह है उन्हें खालिस्तन करप्शन पे नहीं निकाला गया, यानी उनका बयानिया बन बिल्ड करने का मौका क्रिएट करवाया गया है। अब यह करवाने में किसकी नीयत खराब हो सकती है? सिर्फ हमारे मुल्क के दुश्मनों की। अगर हमारे मुल्क के दुश्मनों की नीयत खराब है तो क्या उन्होंने जजों से यह जानबूझ के डंडे के जोर पे करवाया? नहीं, ऐसा नहीं होता। इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट की जाती है। एक साहब बहुत अरसा पहले जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जज थे हमें मिलने आए, उन्होंने कहा जी हम ये चाहते हैं कि मीडिया के जरिए ये वाली बात जो है ना ये जस्टिस इफ्तिखार के जहन में डाल दी जाए, और उन्होंने उसके अवज हमें कहा जी फला जो एंकर है वो ये बात करने के लिए हमसे 26 लाख रुपए मांग रहा है। मैंने उन्हें जवाब दिया कि वो एंकर जो है वो इस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब उसको डेली रात को सुनते हैं, ये बात आप उन्हीं से करवाएंगे तो आपका मकसद हल होगा, ये आप दिन न्यूज से करवाएंगे तो आपका मकसद नहीं हल होगा, यहां से फ्री हो जाएगा वहां आपको 26 लाख देने पड़ेंगे लेकिन मकसद नहीं से हल होगा। फिर वो जो जुमले उन्होंने मुझे दिए थे उन्होंने वहां डील की और वो प्रोग्राम हुआ और मैंने वो जुमले सुने और उनका काम होते हुए मैंने देखा। तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बदनीयती शामिल नहीं थी उसमें, आप पॉइंट समझ रहे हैं? जी हां, वो बिल्कुल ठीक, उनकी नीयत साफ थी, लेकिन उन्होंने चैनल के एक प्रोग्राम से जहां एक फेवरेट एंकर बैठा बोल रहा था उस एंकर से मुतासिर होकर एक फैसला किया। मैं समझता हूं कि जस्टिस साकिब निसार को मीडिया से बड़ा मोहतात होने की जरूरत है। वो इस वक्त मीडिया को देख रहे हैं और मीडिया को देख के फैसले कर रहे हैं। मीडिया में जजों को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है, इसीलिए अमेरिकन जजों को नॉर्मली कहा जाता है कि वो टीवी नहीं देखेंगे और जो उनके सीनियर जजेस हैं वो टीवी नहीं देखते ताकि उनके जहनों को कोई मिसयूज ना कर जाए। पाकिस्तान को बदकिस्मती से अफगानिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है। हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी फोर्सेस इस वक्त एक्टिव हैं वो सारी मीडिया के ऊपर चढ़ी हुई हैं और वो मीडिया से अपना इंफॉर्मेशन लेती हैं, और मीडिया को मैनेज करना मैनिपुलेट करना, और इतना बड़ा मीडिया इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई 35 न्यूज चैनल लोकल काम कर रहे हैं, कौन सा मीडिया किस बात पे किस एजेंडे पे काम कर रहा है कोई समझ नहीं आती। तो ये वो वक्त है कि गौर करने की जरूरत है, गौर कि क्यों नवाज शरीफ को करप्शन पे नहीं निकाला गया, एक अकामे पे निकाला गया जो केस नहीं बनता, और उसके बाद और ये केस इतना कमजोर बनता है कि खुद इमरान खान जो के जिसने के केस दायर किया उसे कहना पड़ गया कि जनाब ये तो केस बहुत कमजोर था जिसपे निकाला गया, और उसके बाद जब उनका बयानिया स्ट्रांग हो गया तो मजीद सख्ती की कोशिश हो रही है। ये मजीद सख्ती में नवाज शरीफ ने भी बिला आखिर तंग आके ये धमकी लगा दी कि जरूरत पड़ी तो मैं कहीं से भी कॉल दे सकता हूं। अब नवाज शरीफ की वो पोजिशन नहीं है, ये मैं बता दूं आपको, कि अगर नवाज शरीफ ने लोगों को सड़कों पर आने की कॉल दी तो कोई भी नहीं आएगा। हमारी दुआ होगी अल्लाह करे कि ये नौबत ही ना आए कि नवाज शरीफ को कॉल देनी पड़े। हमारी दूसरी दुआ होगी कि अगर नवाज शरीफ कॉल भी दे तो लोग ना आए, लेकिन अगर लोग सड़कों पर आए तो लेट मी टेल यू नवाज शरीफ का ग्राफ इस वक्त जहां खड़ा है बदमनी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और अगर इलेक्शन डे में धांधली बड़े पैमाने पे करने की प्लानिंग हुई तो उस वक्त
चार जब क्राउड होता है, कोई 3 करोड़ वोटर वोट डालने निकला होता है, 3 करोड़ लोगों के साथ 2 करोड़ उनके सपोर्टर्स भी निकले होते हैं जो बच्चों की शक्ल में होते हैं, आप 3-4-5 करोड़ लोग सड़कों पर जब वोटिंग के लिए आए होते हैं, आप उनके साथ डायरेक्ट लड़ाई मार कुटाई की कोशिश ना करें तो मुल्क के लिए अच्छा होगा। और उन कुवतों को भी जो पाकिस्तान में चाहती हैं कि उनकी पसंद की गवर्नमेंट्स आएं, जरूर पसंद की गवर्नमेंट्स लाएं, लेकिन तरीकेकार ऐसे रखें जिन तरीकेकार से पाकिस्तान में बदमनी और बेचैनी ना फैले। देखिए मियां नवाज शरीफ जो है वो थोड़े जिद्दी भी हैं और अपनी जिद में वो कई दफा अपना नुकसान भी कर लेते हैं, लेकिन अभी तक अजब बात है कि वो अपनी जिद में जब एंड ऑफ द डे जाके हम देखते हैं चीजों को तो वो बड़े अच्छी तरह कामयाब हो गए होते हैं। नवाज शरीफ साहब काफी गहरे आदमी भी हैं, उनके करीबी साथी भी उनको नहीं समझ सकते कि उनकी नेक्स्ट मूव क्या है। उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग के 4 सेशंस लगाए हैं जब से डिफरेंट लोगों के साथ जब से ये नाअहल हुए हैं, और जिन सेशंस में वो अपनी तमाम सीनियर क़यादत के साथ बैठ के मशावरत करते हैं। हमने उनके सीनियर साथियों से पूछा कि उस मशावरत में बात क्या हुई, तो हंस के जवाब जो मिला वो ये था कि हम बैग गए बड़ा समझ के कि कोई सोल सर्चिंग हो रही है, कोई बड़ी बात होगी, और फिर 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के हम सब ने अपना अपना बोला और मियां साहब ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मीटिंग खत्म हो गई। मेरा जाती भी जो मियां साहब के साथ तजर्बा है वो ये है कि आप उनसे पूछे ना अगर कि मियां साहब आपका क्या ख्याल है कि अगले इलेक्शन होंगे, तो वो जवाब देने की बजाय आपसे सवाल कर देते हैं आपको लगता है होंगे, और अगर आप उनसे पूछे कि एस्टेब्लिशमेंट तो आपके बहुत खिलाफ जा रही है तो वो जवाब देते हैं क्या वजह है, मासूमियत से पूछते हैं क्या वजह है कि आपको हंसने को दिल कर रहा था कि ये यार बात